RSS की फुल फॉर्म राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होती है। यह एक शैक्षिकी, हिंदू राष्ट्रवादी, गैर सरकारी और दुनिया का सबसे बड़ा स्वैच्छिक गैर सरकारी संगठन है। RSS की स्थापना 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य एक सामाजिक संगठन की स्थापना करना था जो हिंदू समुदाय को एकजुट करता है। RSS का कहना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा भारत की निस्वार्थ सेवा के सिद्धांत पर आधारित है। RSS भारत की सबसे बड़ी धर्मार्थ संस्था भी है। RSS एक स्कूल विद्या भारती चलाता है और हमारे आदिवासी भाइयों के लिए वनवासी कल्याण आश्रम नामक एक संस्था भी चलाता है। दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना केशव बलराम है गेवार ने की थी। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन RSS की स्थापना की गई थी। 2025 में ये संगठन 100 साल का हो जाएगा। नागपुर के अखाड़ों से तैयार हुआ संघ मौजूदा समय में विराट रूप ले चुका है। संघ के प्रथम सरसंचालक है गेवार ने अपने घर पर 17 लोगों के साथ गोष्ठी में संघ के गठन की योजना बनाई। इस बैठक में है गेवार के साथ विश्वनाथ केलकर, भावजी कावरे, अणा साहने, बालाजी हुदार, बापूराव भेदी आदि मौजूद थे। संघ का क्या नाम होगा, क्या क्रियाकलाप होंगे, सब कुछ समय के साथ धीरे धीरे तय होता गया। उस वक्त हिंदुओं को सिर्फ संगठित करने का विचार था। यहाँ तक कि संघ का नामकरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी 17 अप्रैल 1926 को हुआ। इसी दिन है गेवार को सर्वसम्मति से संघ प्रमुख चुना गया, लेकिन सरसंचालक वे नवंबर 1929 में बनाए गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये नाम अस्तित्व में आने से पहले विचार मंथन हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जरीपका मंडल और भारतद्वारक मंडल, इन तीन नामों पर विचार हुआ। बाकायदा वोटिंग हुई नाम विचार के लिए। बैठक में मौजूद 26 सदस्यों में से 20 सदस्यों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपना मत दिया, जिसके बाद RSS अस्तित्व में आया। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि प्रार्थना के साथ पिछले कई दशकों से लगातार देश के कोने कोने में संघ की शाखाएं लग रही हैं। है गेवार ने व्यायामशालाएं या अखाड़ों के माध्यम से संघ कार्य को आगे बढ़ाया। स्वस्थ और सुगठित स्वयंसेवक होना उनकी कल्पना में था। RSS का दावा है कि उसके 1 करोड़ से ज्यादा प्रशिक्षित सदस्य हैं। संघ परिवार में 80 से ज्यादा समविचारी या आनुषांगिक संगठन हैं। दुनिया के करीब 40 देशों में संघ सक्रिय है। मौजूदा समय में संघ की 56,569 दैनिक शाखाएं लगती हैं। करीब 13,847 साप्ताहिक मंडली और 9,000 मासिक शाखाएं भी हैं। संघ में सदस्यों का पंजीकरण नहीं होता। ऐसे में शाखाओं में उपस्थिति के आधार पर अनुमान है कि फिलहाल 50 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक नियमित रूप से शाखाओं में आते हैं। देश की हर तहसील और करीब 55,000 गांवों में शाखा लग रही है। संघ ने अपने लंबे सफर में कई उपलब्धियां अर्जित की, जबकि 3 बार उस पर प्रतिबंध भी लगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या को संघ से जोड़कर देखा गया। संघ के दूसरे सरसंचालक गुरु गोलवलकर को बंदी बनाया गया, लेकिन 18 महीने के बाद संघ से प्रतिबंध हटा दिया गया। दूसरी बार आपातकाल के दौरान 1975 से 1977 तक संघ पर पाबंदी लगी। तीसरी बार 6 महीने के लिए 1992 के दिसंबर में लगी, जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी। RSS न तो गांधी की अगुवाई में चलने वाले आंदोलन में हिस्सेदार बना, न कांग्रेस से निकले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आंदोलन में साझेदार, और न ही कभी भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों से उसका वास्ता रहा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त RSS की कोई भूमिका नहीं दिखी। आजादी के वक्त तो संघ ने तिरंगे का विरोध तक किया था। RSS के मुखपत्र द ऑर्गेनाइजेशन ने 17 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग के नाम से संपादकीय में लिखा कि भगवा ध्वज को भारत का राष्ट्रीय ध्वज माना जाए। 22 जुलाई 1947 को जब तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज माना गया तो द ऑर्गेनाइजेशन ने ही इसका जमकर विरोध किया। काफी लंबे समय तक संघ तिरंगा नहीं फहराता था। हाल ही में RSS ने अपने को बदला है। यहां तक कि RSS के धुर विरोधियों ने भी उसे जगह देना शुरू किया। संघ ने धीरे धीरे अपनी पहचान एक अनुशासित और राष्ट्रवादी संगठन की बनाई। 1962 में चीन के धोखे से किए हमले से देश सन रह गया था। उस वक्त RSS ने सरहदी इलाकों में रसद पहुंचाने में मदद की थी। इससे प्रभावित होकर प्रधानमंत्री नेहरू ने 1963 में गणतंत्र दिवस की परेड में संघ को बुलाया था। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने में संघ ने मदद की थी। 1977 में RSS ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को विवेकानंद रॉक मेमोरियल का उद्घाटन करने के लिए बुलाया था। RSS साफ तौर पर हिंदू समाज को उसके धर्म और संस्कृति के आधार पर शक्तिशाली बनाने की बात करता है। संघ से निकले स्वयंसेवकों ने ही BJP को स्थापित किया। हर साल विजयादशमी के दिन संघ स्थापना के साथ ही शस्त्र पूजन की परंपरा निभाई जाती है। देश भर में पथ संचलन निकलते हैं। तभी 25 स्वयंसेवकों से शुरू हुआ संघ आज विशाल संगठन के रूप में स्थापित है।